हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी मकर राशि है, तो चलिए देख लेते हैं 20 से 31 तारीख के बीच में मई मंथ में यानी मई 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को कैप्रिकॉर्न मानते हैं यानी मकर राशि मानते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर हम आपके साथ साथ ही आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक करने वाले हैं, यानी आपके बात करेंगे। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, वो इंसान इस टाइम पर क्या कर रहा है या फिर क्या क्या एक्शन लेने वाला है 20 से 31 तारीख के बीच में, यानी उनकी भी रीडिंग हम करने वाले हैं आपके बाद। यानी फर्स्ट हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, फिर हम उनकी देखने वाले हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। सो फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आ गया है जस्टिस। सेकंड कार्ड है पेज ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स। ओके, फाइव ऑफ वांड्स, तो वांड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, द डेविल। ओके, सो देख लेते हैं बॉटम द डेक। बॉटम द डेक में आप देख सकते हो नाइन ऑफ वांड्स है। तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से कोई एक इंसान आपको ब्लॉक करता हुआ दिख रहा है, या फिर इस टाइम पर आप किसी इंसान को ब्लॉक कर सकते हो, यानी आप अपने चारी ओर एक बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आप जिस इंसान को चाहते हो कि वो आपके नज़दीक आए, वही इंसान आपके नज़दीक आ पाएंगे, और आप जिस इंसान को नहीं चाहते हो वो आपके नज़दीक नहीं आ पाएंगे। यानी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टिंग नेचर में दिख रहे हो, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, अपने लव लाइफ को हील करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से सभी चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज्यादा कॉन्शियस वे में चलते हुए दिख रहे हो। तो ये बॉटम द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से राशि है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ना यहाँ पर अलग से आ गई है। सो डेफिनेटली ये जो 20 से 30 तारीख का टाइम है लव लाइफ के साइड से आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एंड एयर साइन जिमना लिब्रा एक्वेरियस है। यहाँ पर सिर्फ मुझे दिख रही है वाटर साइन की कमी है, यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है मुझे। तो आपका जो 20 से 31 का जो रीडिंग है, तो फर्स्ट जो यहाँ पर कार्ड है वो है जस्टिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में ना इक्वालिटी आने वाली है, यानी इस टाइम पर आपके लव लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही है। हो सकता है बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से कुछ चीजें आप देख कर भी अनदेखा कर रहे थे, तो इस टाइम पर आपकी आंखें खुलती हुई दिख रही हैं, आपके सामने कुछ ट्रूथ्स आते हुए दिख रहे हैं डिवाइन की तरफ से। ओके, क्योंकि इस टाइम पर आपके लव लाइफ में क्लियरिटी आती हुई दिख रही है, बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन इस टाइम पर इक्वली एफर्ट देते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, यानी बहुत टाइम से मुझे दिख रही हैं आप ही कोशिश कर रहे थे, आप ही बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे लव लाइफ के साइड से। आपके दिल में भी बहुत सारे ख्वाहिशें थे आपके पर्सन को लेकर, पर उन सारी ख्वाहिशों को आप अभी तक पूरे नहीं कर पाए हो। इस टाइम पर आपके कुछ विशेस भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है डिवाइन की तरफ से आपको इस टाइम पर कुछ मैसेजेस मिले, कुछ साइन देखने को मिले। इस टाइम पर आपके गार्डियन एंजल आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करे, आपको कुछ बताने की कोशिश करे। अगर आपको 1111 या फिर 69 या फिर 555 या फिर 666 ऐसे कुछ नंबर्स का रिपीटेशन दिखे, तो ज़रूर आप उसको सर्च करके उसका मीनिंग पता करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेजर दिख रहे हैं आपका लव रीडिंग। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स, तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ में बहुत टाइम से आप कुछ न्यू मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, यानी आपके लव लाइफ में एक नयापन आए, या फिर आपका लव लाइफ किसी नए इंसान के साथ फिर से स्टार्ट हो, एक न्यू बिगिनिंग के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर। ओके, और ये न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में आती हुई भी दिख रही है। आपका जो एनर्जीज है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री होता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी डेफिनेटली अपकमिंग डेज में एक न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे आपके लव लाइफ के साइड से। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रही है कोई एक इंसान ऐसा भी है जो आपको लेकर मैनिफेस्ट करता है, यानी वो इंसान वेट कर रही है कि आप उनको कब प्रपोजल दोगे।
ओके तो ये इंसान आपके जाने पहचाने में से ही दिख रही है मुझे, वो इंसान आपकी तरफ से कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स, तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंसफुल इंसान होते हुए दिख रहे हो लव लाइफ की साइड से, कोई एक बोल्ड डिसीजन इस टाइम पर लेने वाले हो लव लाइफ को लेकर, यानी ये जो एक्शन होगा ना इसके दौरान आपके लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू टर्न आप देख पाओगे, यानी आपका लव लाइफ इस टाइम पर एकदम से 180 डिग्री घूमने वाला है, कोई एक साइकिल यहाँ पर एंड होती हुई दिख रही है, एक नया साइकिल स्टार्ट होती हुई दिख रही है आपके कॉन्फिडेंस के द्वारा, यानी आप इस टाइम पर बोल्ड होकर जो भी डिसीजन लोगे उसके द्वारा। और यहाँ पर है 5 ऑफ वांड्स, तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, आप किसी इंसान के साथ या फिर कुछ लोगों के साथ आप झगड़ते हुए दिख रहे हो सकता है, आप अपने मन के साथ ही आर्ग्यूमेंट्स करो उस टाइम पर, यानी आपका मन कुछ चाहे या फिर आपका दिमाग कुछ और चाहे, या फिर इस टाइम पर फिजिकली आप कुछ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करके कुछ चीज़ों के तरफ जाते हुए दिख रहे हो, यानी लव लाइफ के साइड से आप जो इस टाइम पर करने जाओगे जो आपके रास्ते पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, पर उन ब्लॉकेजेस को आप एकदम से चीर फाड़ के निकलते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका जो वेट है ना वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे दिख रही हैं आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे थे, हो सकता है किसी की तरफ से कुछ प्रपोजल, हो सकता है किसी की तरफ से कुछ आंसर के लिए वेट कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो इस टाइम पर उस इंसान की तरफ से कॉन्टैक्ट होने की चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये आपका वेट ख़त्म होने की बात करता है, यानी बहुत टाइम से आप जिस भी इंसान के लिए जिस भी चीज के लिए लव लाइफ के साइड से वेट कर रहे थे वहां से कुछ चीजें आपको इस टाइम पर रिसीव होने वाला है पॉजिटिव वे में, यानी अगर बहुत टाइम से आपका लव लाइफ स्टक था यानी लॉक था, तो यहाँ पर आपको चाबी मिलता हुआ दिख रहा है, यानी की मिलता हुआ दिख रहा है उस ताले को खोलने के लिए, यानी एक स्टक सिचुएशन से आप इस टाइम पर बाहर आते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से, फ्री होते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो द हर्मिट, आप यहाँ पर जरूर देख पाओगे यहाँ पर एक लाइट है, यानी जब आपको ऐसा लगेगा ना कि आपके लव लाइफ में पूरी तरीके से अंधेरा छा गया है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है या फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, तभी आपको अचानक से एक लाइट दिखाई देगी, अचानक से एक होप मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ज्यादा होपफुल होते हुए दिख रहे हो, आप बहुत ज्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर ये खुशी आपको इतना ज्यादा एक्साइटेड करने वाला है, इतना ज्यादा खुशी देने वाला है, पीस देने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि हाउमिट का कार्ड इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में कुछ चीजों को परमानेंट करने की भी बात बताता है, यानी बहुत टाइम से हो सकता है आप किसी इंसान को लेकर परेशान थे कि वो इंसान आपकी लव लाइफ से चला जाएगा, तो इस टाइम पर मुझे दिख रही है आपकी जो ये डर है ना वो खत्म होने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो द डेविल है, सो यहाँ से मुझे दिख रही है बहुत टाइम से आप किसी इंसान की ओर या फिर किसी चीज़ की ओर हाथ अपना बढ़ाकर खड़े थे कि कब वो इंसान आपके हाथों में हाथ डालेगा, या फिर कब वो इंसान आपको भरोसा करेगा, या फिर कब वो चीज़ आपको परमानेंटली मिल जाएगा, तो इसके लिए आप बहुत टाइम से शिद्दत से अपने दिल से वेट करते हुए दिख रहे हो। आप उस सिचुएशन से, आप उस थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, हो सकता है आप किसी इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे थे पर वो काम रहा है आपके लिए, यानी कोई एक इंसान आपके दिलो दिमाग में बस गया है, आप चाहकर भी उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रही है कि इस टाइम पर ना आप किसी इंसान की ओर ना बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होने वाले हो, और इस टाइम पर मुझे ये भी दिख रही है कोई एक इंसान आपको देखकर बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होने वाला है, और साथ में आप भी किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड होते हुए दिख रहे हो, यानी आप अपने लव लाइफ से कुछ छेड़खानी करते हुए दिख रहे हो, आप अपने मन से खेलते हुए दिख रहे हो, यानी आपका मन कुछ और चाहता है, आप करते कुछ और दिख रहे हो। ओके सो देख लेते हैं इस टाइम पर आपके पर्सन, यानी आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है उस इंसान के बारे में देख लेते हैं कि वो इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में, या फिर 20 से 31 तारीख के बीच में उस इंसान की एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपको इस टाइम पर क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस अपने आँखों को बंद करके 3 टाइम्स उस इंसान के बारे में सोचना है। ओके सो बी पॉजिटिव, यानी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। वन मोर, सो देख लेते हैं बॉटम द डेक। बॉटम द डेक में आप देख सकते हो एस ऑफ डायमंड्स है,
यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं अपने लव लाइफ के साइड से, यानी ओपन माइंडेड होकर चल रहे हैं। इनके दिल में स्पेसिफिकली किसी पर्सन के लिए प्यार मुझे नहीं दिख रहे हैं या फिर किसी स्पेसिफिकली किसी इंसान के लिए फीलिंग्स मुझे नहीं दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड एक इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है ये इंसान ऐसा पहले नहीं था, तो इस टाइम पर ये इंसान कोशिश करके खुद को चेंज करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ओके सो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं। तो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं एंड एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस हैं। तो सारे राशि यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है आपका पर्सन का, यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्पेड्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड टाइप के हैं, शायद पहले नहीं थे पर इस टाइम पर हो गए हैं। इस इंसान का ना कुछ एम्बिशन है अपने लव लाइफ को लेकर, कुछ स्ट्रैटेजी हैं, उसके बाहर ये इंसान नहीं निकल पाते हैं। तो इस टाइम पर ये इंसान अपने लव लाइफ के साइड से कुछ ख्यालात अपने मन में रखे हैं कि ऐसा इंसान चाहिए या फिर ऐसा लव लाइफ चाहिए या फिर ऐसे मैं खुद को सेटिस्फाइड कर पाऊंगी लव लाइफ के साइड से। बहुत सारे थॉट्स इनके अंदर मुझे दिख रहे हैं जो इन्होंने खुद क्रिएट किया है। ओके यानी इस टाइम पर करने वाले हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं फाइव ऑफ स्पेड्स हैं, तो ये इंसान इस टाइम पर खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ के साइड से कुछ गोल इन्होंने क्रिएट किया है तो उसको फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर हैं फाइव ऑफ स्पेड्स, तो इस टाइम पर ना ये इंसान के साथ ही गेम खेल रहे हैं। यानी इनको एक्चुअल में लव लाइफ के साइड से क्या चाहिए इनको अच्छे से नहीं पता है, इनको पता ही नहीं है कि इनका दिल क्या चाहता है या फिर लव लाइफ के साइड से कौन सी चीज़ मिलने के बाद ये इंसान सुकून महसूस कर पाएंगे। तो ये इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड दिख रहे हैं। यानी कभी तो सोच रहे हैं कि हाँ इससे ये इंसान सेटिस्फाइड हो जाएंगे, कभी सोच रहे हैं कि नहीं। तो ये इंसान अपने आप में ही बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं अपने लव लाइफ को लेकर। यानी इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं इनके अंदर कभी मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, कभी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। यानी जब मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तब ये इंसान अपने लव लाइफ को लेस इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, और जब फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा हो जाएगा तब ये इंसान लव लाइफ के ऊपर ओवर फोकस्ड होने वाले हैं। ओके तो आप समझ रहे हो ये इंसान एकदम से कन्फ्यूज्ड हो चुके हैं अपने लव लाइफ को लेकर। यानी इनको क्या चाहिए, कैसा पर्सन चाहिए या फिर इनके दिल को कौन सी चीज़ सुकून देगा लव लाइफ के साइड से, इनको ही नहीं पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैक ऑफ क्लब्स से इस इंसान के अंदर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एंथू आती हुई दिख रही हैं, करेज महसूस करने वाले हैं खुद के अंदर लव लाइफ के साइड से। कुछ मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम से कर रहे हैं अपने लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग लाने के लिए। इनके लव लाइफ में ये इंसान कुछ नयापन चाहते हैं। ये इंसान अभी लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। यानी घिसा पिटा लव लाइफ इनको नहीं चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट वाला लव लाइफ चाहिए। ओके जिसके लिए ये इंसान बहुत टाइम से काम करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर है एट ऑफ डायमंड्स, तो मुझे दिख रहे हैं ये इंसान ज़्यादातर वक्त अपने काम को लेकर बिताते हैं। ये इंसान इस टाइम पर अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ को कम इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं, अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। करियर के थ्रू ही सेटिस्फेक्शन पाना चाहते हैं, सुकून पाना चाहते हैं। यानी इनको ऐसा लगता है इस टाइम पर कि लव लाइफ के साइड से इनको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं लव लाइफ को लेकर। और यहाँ पर हैं सिक्स ऑफ हार्ट्स, इस टाइम पर ये इंसान सोचने वाले हैं थोड़े से टाइम के लिए कि काश इनके साथ आपकी थॉट्स एक हो पाती, काश के आप दोनों एक हो पाते या फिर आप दोनों का विजन एक हो पाता या फिर आप दोनों के जो डेस्टिनी है वो एक हो पाता। तो इस टाइम पर एक कनेक्टिंग एनर्जी में ये इंसान जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी ये इंसान कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ इनकी सोल कनेक्ट किया जाए। ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं। यानी आपके और उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप पहले था उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा सा इमोशनल भी होते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है इस टाइम पर आप दोनों के थॉट्स थोड़ा सा सेम हो जाए, यानी आप जैसा सोच रहे हो ये इंसान भी वैसा ही सोचने लगे। तो ये इंसान इस टाइम पर स्पिरिचुअल होने की भी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस टाइम पर। यहाँ पर है फोर ऑफ हार्ट्स, ये इंसान इस टाइम पर आपको कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेजेस करने की सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा करने जाएंगे भी, पर फिर फ़ोन को रखते हुए दिख रहे हैं। आपके पास आने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे भी पर फिर पीछे लेते हुए दिख रहे हैं अपने कदम। यानी इस टाइम पर ये इंसान ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं मुझे दिख रही हैं।
ये इंसान अपने पास्ट कुछ सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहे हैं, यानी पास्ट कुछ सिचुएशन के वजह से, पास्ट कुछ मेमोरीज़ के वजह से ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके तरफ नहीं जा पा रहे हैं, यानी कितना भी कोशिश कर लो ये इंसान इस टाइम पर आगे एक पैर भी आगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ डर हैं अपने पास्ट चीज़ों को लेकर, यानी इनके पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहे हैं। मुझे शायद आपको पता है या फिर नहीं पता है, आई डोंट नो, बट इनके पास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हैं जो इनको लगता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री ऑफ डायमंड्स हैं, तो इस टाइम पर इंसान ना किसी इंसान के द्वारा आपके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को थोड़ा सा सर्च करते हुए दिख रहे हैं, फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, और इस टाइम पर इनके दोस्तों के साथ ये इंसान मज़े करते हुए दिख रहे हैं, कहीं पर बाहर भी जा सकते हैं, पर ज़्यादातर मुझे दिख रही है मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये अपने काम को लेकर ही बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, अपने काम को लेकर ही कुछ लोगों के साथ डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं, यानी इनके लव लाइफ में ना लव की कमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर जो दिख रही है मुझे, काम को लेकर ओवर फोकस्ड होने वाले हैं इस टाइम पर, यानी इस टाइम पर इनके काम ही इनके सब कुछ होने वाले हैं। अगर ये इंसान स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली अपने पढ़ाई को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। सो देख लेते हैं इस टाइम पर मून आपको क्या गाइड करना चाहते हैं कि 20 से 21 तारीख के बीच में आपको क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, तो इस टाइम पर मून आपको बताना चाहते हैं, यानी डिवाइन की तरफ से जो मैसेज आया है, आपको इस टाइम पर ना थोड़ा सा हल्का महसूस करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा होने वाला है 20 से 31 तारीख के बीच में जहाँ पर आप फ्री होने वाले हो। लव लाइफ के साइड से आपके कुछ टेंशन खत्म होते हुए दिख रहे हैं, कि लव लाइफ से कुछ नेगेटिविटीज़ जाती हुई दिख रही हैं, आपकी लव लाइफ से कुछ हेडेक जाता हुआ दिख रहा है, यानी आप इस टाइम पर एकदम से एक सुकून भरी नींद लेते हुए दिख रहे हो, सुकून से जीते हुए दिख रहे हो। आपके लव लाइफ में इस टाइम पर कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जहाँ पर आप एकदम से अच्छे से ब्रीद आउट कर पाओगे। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है मुझे, तो डेफिनेटली आपका 20 से 31 बहुत अच्छा गुजरने वाला है, एंड आपका पर्सन का भी ओवरऑल मुझे दिख रही है, पर आपका पर्सन की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी दिख रही है मुझे, क्योंकि इनके लव लाइफ में ना मुझे दिख रहे हैं एनर्जीज बैलेंस में नहीं है, जिसकी वजह से इनके लव लाइफ में हीलिंग नहीं है। यहाँ पर मैसेज भी बहुत ब्यूटीफुल आया है। सो बाय।